independent जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भव्य 151 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये हमारे मोदी जी के प्रोत्साहन से, मोदी जी के कानम प्रोत्साहन से ही ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पिछले वर्ष हुआ था और पिछले वर्ष के भांति इस बार भी हुआ है। स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले मैं सभी को हार्दिक बधाई दूंगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन से, इस संगठन की तरफ से आप सभी का हृदय दिल से धन्यवाद। इस अमृत महोत्सव जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम रचा जा रहा है, घर घर तिरंगा यात्रा तिरंगा रैली वगैरह जो निकाली जा रही है। नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति, मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में और यहाँ श्री राम जानकी मंदिर है। यहाँ से जो है तिरंगा यात्रा निकाला गया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा, और यहाँ पर जो है तिरंगा यात्रा निकाला गया है राम जानकी मंदिर से लेकर के खरेमा मोड़ होते हुए, चौक होते हुए, मवेशी खाना होते हुए और जनता बाल समिति होते हुए फिर यही राम जानकी मंदिर पर समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ प्रशासन भी श्रामीण का अलर्ट है अपनी जगह, और इसी के साथ साथ मिलते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं से, पूछते हैं कहाँ से निकाली गई, क्या संदेश देना चाहते हैं इस पर, और इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। मैं रामगुण मौर्य, यहाँ श्री रामलीला सेवा समिति का अध्यक्ष जी, और बड़े सौभाग्य की बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हमको इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया था। संयोजक आप हैं जी? जी, ये इसका भ्रमण जैसे निकाला गया कितने बजे और कहाँ से कहाँ इसका भ्रमण किया गया, प्रशासन भी आपके साथ पूरी मुस्तैदी थी, पूरी श्रामिक थाना? ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भव्य 151 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से और श्री राम जानकी ठाकुर द्वारा मंदिर छोटी अयोध्या सरायमीर से निकाली गई। इसका रूट था खरेवा मोड़ होते हुए सिराजी के पूरा महाजनी टोला चौक प्राइमरी पाठशाला मवेशी खाना होते हुए पुनः इसका जो है रोडवेज पर पूरी भव्य तिरंगा यात्रा पहुंची और वहां पर जो है राष्ट्रगान किया गया। राष्ट्रगान के बाद पुनः तिरंगा यात्रा छोटी अयोध्या धाम श्री ठाकुर द्वारा मंदिर सरायमीर पहुंची और फिर वहां इसका समापन हुआ। इसमें ज़िले के प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, साथ ही साथ हमारे नगर के और अगल बगल गांव के और इसके साथ जो अगल बगल विद्यालय हैं सभी विद्यालय के छात्र और छात्राएं बहनें यहां उपस्थित हुईं। इसके लिए हम अपने नगर को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और सभी विद्यार्थियों को, सभी माता बहनों को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। छोटी अयोध्या धाम कब से पड़ गया इस मंदिर का? छोटी अयोध्या धाम जब इस मंदिर का जो है भव्य उद्घाटन हुआ उसमें जो है तब से इसका नाम छोटी श्री, ये ठाकुर द्वारा श्री राम जानकी मंदिर है और जब इसका भव्य उद्घाटन किया गया उसी समय से इसका नाम छोटी अयोध्या धाम रखा गया। ये थे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रामभुवन मौर्य जी और इस कार्यक्रम समिति के क्या थे? संयोजक थे हम। संयोजक थे, बता रहे हैं कि प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, जो जिले से भी प्रशासन आई थी जी जी, और इसी के साथ साथ भैया से भी मिलते हैं, क्या कहते हैं भैया अपना परिचय देते हुए? मैं सुजीत बर्नवाल जी। ये जो आज यात्रा निकाली गई तिरंगा यात्रा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? 151 मीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई, ये हमारे मोदी जी के प्रोत्साहन से, मोदी जी के कानम प्रोत्साहन से ही ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पिछले वर्ष हुआ था और पिछले वर्ष के भांति इस बार भी हुआ है। मोदी जी की प्रेरणा से नगर के सारे लोग उत्साहित थे और नगर के कानम उत्साह को देखते हुए एक बार पुनः मोदी जी के आह्वान पे हम लोगों ने तिरंगा यात्रा घर घर तिरंगा की शुरुआत की है और इस 15 अगस्त को कानम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे, 76 वर्ष पूरे होने पर इसको कानम हर्षोल्लास के साथ मनाएगा पूरा देश। उसमें हम सरायमीर का भी योगदान
वो बढ़ चढ़ के रहेगा, जिसमें विद्यार्थी परिषद ने अग्रिम भूमिका निभाई है, जिसमें विद्यार्थी परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी बहनें और छात्राएं और छात्र रहे इसमें सहयोग, नगर का सहयोग रहा, उनको कोटि कोटि बधाई, सबको बधाई। और इसी के साथ साथ आइए मिलते हैं भैया से, अपना परिचय दीजिए भाई। अभिषेक मौर्य, नगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी, ये अपने संगठन द्वारा क्या कहना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों के, जैसे अपने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है आगे। स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले मैं सभी को हार्दिक बधाई दूंगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन से, इस संगठन की तरफ से आप सभी का हृदय दिल से धन्यवाद इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए। यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे सहयोग, तन मन धन के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हमारे विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राओं को हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम करते हैं और इसी के साथ साथ मिलते हैं, अपना परिचय दीजिए। विशाल कसेरा, विद्यार्थी परिषद, दायित्व जिला आंदोलन प्रमुख। क्या आप इसमें कुछ संगठन में अपने हैं? क्या जी, हैं जिला आंदोलन प्रमुख लालगंज जिला। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद अगले वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा निकाली है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ निकाली है। पूरा श्रामिक थाना का पूरा सहयोग भी था, बिल्कुल इसमें पूरे प्रशासन का सहयोग था, SDM साहब का परमिशन भी था, सब कुछ मामला ठीक था और यह कार्यक्रम काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसको सभी हमारे सरायमी नगर के सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर विद्यालय के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और इसी के साथ साथ भैया मिलते हैं, पूछते हैं इनसे, भैया अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम शंभव गुप्ता है, मैं सरायमी नगर पंचायत सभासद और भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी द्वारा आज जो है तिरंगा यात्रा निकाला गया, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे ग्रामवासियों और नगरवासियों को? नगरवासियों के लिए तो ये बहुत विशेष, हार्दिक और बहुत ही अच्छा दिन है, जो अमृत महोत्सव जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम रचा जा रहा है, घर घर तिरंगा यात्रा तिरंगा रैली वगैरह जो निकाली जा रही है, हर समाज, हर गाँव ग्राम में लोगों के बीच तिरंगा के प्रति और देश के प्रति जो मान सम्मान मनाया जा रहा है, उसका मैं तहे दिल हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ अखिल भारती को भी मैं धन्यवाद, संघ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके नेतृत्व में यहाँ का यह तिरंगा यात्रा निकाला गया। और इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूथ कॉर्नर के साथ, मैं नीरज पटेल।